ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है, सीयर ही सीन है, कंट्रोलर ही कंट्रोल्ड है, एक्सपीरियंसर ही एक्सपीरियंस है। ये स्पिरिचुअलिटी का लास्ट चैप्टर है। तो अध्यात्म का ये जो लास्ट चैप्टर है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है, क्योंकि अगर हम जरा ध्यान से देखें तो फिजिकल इवोल्यूशन तो आया है, जो कि डार्विन ने बताया है कि फिजिकली इवॉल्व हुए हैं हम लोग, लेकिन साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन कभी हुआ नहीं है। मतलब इंसान की जो साइकी है, उसका जो परसीव करने का तरीका है, जो उसकी साइकोलॉजी है, वो हमेशा सेम ही रही है। क्योंकि जब से इंसान आया है, जब से इंसान इवॉल्व हुआ है, तब से उसके अंदर एंगर, वही फ्रस्ट्रेशन, और उसके अंदर वही जलेसी, हेट, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है उसके अंदर, किसी भी चीज़ को डिवाइड करके देखता है। तो फिर चाहे पुराने टाइम पर चाहे कोई भी हुआ हो, या फिर अष्टावक्र ने इसकी बात की है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व की, शंकराचार्य ने इसकी बात की है, महर्षि पतंजलि ने इसकी बात की, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व की, आप बहुत सारे, अगर हम बात करें स्क्रिप्चर्स में इसकी बात हुई पड़ी है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व की। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा सिर्फ इंडिया में, बाकी बाहर के जितने भी स्कॉलर्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व की, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व क्यों है लास्ट चैप्टर स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व क्या है। ऑब्जर्वर जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं सामने मेरे पेड़ है, पीछे बेंच है, ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या मेरी अपनी कुछ पास्ट की मेमोरीज है, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ ध्यान से, आसपास की चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं एक ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो भी चीज़ें मेरे सामने आ रही है जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन हो गई। अब जो ऑब्जर्वर है वो किसका बना हुआ है, ऑब्जर्वर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ऑब्जर्वर आपका मिलकर बना हुआ है, आपने जो भी कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है, आपकी जो कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, यानी आपके अंदर जो कहानी है आपकी, मी की कहानी है, आई की कहानी है, मेरा, आप उस सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपके अंदर एक कहानी बनी हुई है, मी की कंडीशनिंग बनी हुई है, आप उस हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी जो कुछ भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो खुद से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी जो ऑब्जर्वेशन है, कंप्लीट जो ऑब्जर्वेशन है, और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो एक ही लाइन में आ गया, एक ही स्टोरी में आ गया, यानी वो खुद की ही बनाई हुई चीज़ें, खुद की ही बातें, और खुद की ही जो उसकी कहानी है वो उसको ही ऑब्जर्व कर रहा है। यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन दोनों एक ही हो गई, सेम हो गई। स्पिरिचुअलिटी में इसको जो है वो निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें, इंडियन माइथोलॉजी की अगर हम बात करें, तो इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, जहाँ पर मेडिटेशन, मेडिटेटर, और जो पूरा एक्ट ऑफ मेडिटेशन है वो पूरा एक ही हो गया है। तो दृष्टा जो देख रहा है चीज़ों को, और जो दृश्य है, जो दृष्टा देख रहा है किसी भी चीज़ को, वो अपने अंदर उसके कंक्लूजन, उसकी नॉलेज, जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया हुआ है उसके हिसाब से देख रहा है, और जो वो देख रहा है वो भी उसी के हिसाब से देख रहा है। यानी वो खुद ही ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वेशन भी वही है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, यस फिजिकली जो है चीज़ें वो अलग है, फिजिकली ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन यहाँ पर हम साइकोलॉजिकली बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जब आप ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन दोनों एक ही हो जा रही है, सपोज आप अपने एंगर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने गुस्से को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने गुस्से को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो गुस्सा है वो आप ही हैं, क्योंकि वो आपको ही आ रहा है, आपने इकट्ठा किया हुआ है, और वो आपके अंदर जो दिमाग के अंदर स्टोरी बनी हुई है, क्योंकि आपके कुछ बिलीव्स हिल गए हैं इसलिए आपको वो गुस्सा आ रहा है। तो जो गुस्सा, जब आप देखेंगे कि गुस्सा और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो कोई ड्वालिटी नहीं रहेगी, यानी कोई डिवीज़न नहीं रहेगा, डिवीज़न नहीं रहेगा, तो एक एक स्टेज आ जाएगी, सिंपल एक स्टेज आ जाएगी। एक स्टेज आ गई तो कन्फ्लिक्ट खत्म, कन्फ्लिक्ट खत्म, आपकी इरिटेशन खत्म, क्योंकि हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट जब क्रिएट होते हैं, हमारे अंदर इरिटेशन जब क्रिएट होती है, हमारे अंदर वायलेंस जो है वो, हमारे अंदर एग्रेशन तब क्रिएट होता है जब हम देखते हैं कि हम
हम डिविजिव हो रहे हैं, हम डिवीजन क्रिएट करते हैं अपने अंदर। तो डिवीजन चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो जैसे ही डिवीजन क्रिएट होता है हमारे अंदर जो है वो फिर हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, फिर बहुत तरह की जो है वो ब्रेन में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम एक होकर चीज़ों को देखने लग जाते हैं तो फिर कोई डिवीजन रहा नहीं, सब कुछ एक दिखने लगा। तो सब कुछ जब कुछ कुछ सब कुछ एक ही दिखने लगा तो बीच में फिर थॉट्स फॉर्म नहीं होंगे, सब कुछ दिख रहा है, ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व कर रहा है। यानी कि जो थॉट्स का कंपैरिजन है, जो इमोशंस का कंपैरिजन है, कंटेंट है, वो सब भी एक ही है, सब कुछ एक है। तो जब सब कुछ एक है तो कंप्लीट नॉन ड्यूअल स्टेट आ गई, और नॉन ड्यूअल अगर स्टेट आ गई तो फिर हम क्या रहेंगे, हम फिर प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे हमेशा। तो जैसे ही ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन एक हो जाती है तो फिर आती है प्रेजेंट मोमेंट की स्टेट, यानी हम चीज़ों को एज इट इज़ देख रहे हैं, जैसी चीज़ें हैं, जैसी हमें चीज़ें दिखाई दे रही। सो द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, जब हम ठीक से समझ लेते हैं तो इसके बाद हम प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम खुद से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी खुद की ही गढ़ी हुई कहानी है, वो हमारे खुद के ही पास्ट के प्रीजेजिस हैं वो। तो प्रेजेंट मोमेंट में जैसे हमें पता लगता है कि दृष्टा और दृश्य एक ही है और जो सीयर और सीन एक ही है, तो हम जो हैं वो कैसे रहते हैं, हमारे अंदर से थॉट्स की कंपैरिजन, कंफ्लिक्ट, डिवीजन सब खत्म हो गया, एज इट इज चीज़ों को देखते हैं, प्रेजेंट में होकर चीज़ों को देखते हैं। और प्रेजेंट में होकर चीज़ों को देखेंगे, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कंप्लीट एनर्जी उसमें लगाएंगे हम, क्योंकि हमें पता है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन में अंतर नहीं है, एक ही है। तो हम चीज़ों को बिल्कुल एज इट इज़ देखेंगे, बिल्कुल प्रेजेंट में होकर देखेंगे, और फिर जो नॉलेज का कंटेंट बीच में आ जाता है, जो नॉलेज का गैप आ जाता है बीच में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं हुआ है, बल्कि जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है नॉलेज और इकट्ठी होती चली जा रही है, लेकिन ट्रुथ को देखने के, फंडामेंटल देखने के जो तरीके हैं वो सेम ही हैं। लोग लास्ट में इसी पर पहुंचते हैं कि कैसे खुद के एंगर को मैनेज किया जाए, खुद के स्ट्रेस को, डिप्रेशन, एंजाइटी को, इन सारी चीज़ों को देखा जाए, इनसे कैसे फ्री हुआ जाए। तो वो हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स ने, उन्होंने भी भली भांति वो किया था, फिर जो स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी गई उनमें भी सारी यही बातें हैं। तो द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अगर हम जरा ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर ये एक बिल्कुल अल्टीमेट गोल है। इसके बाद जो है वो स्पिरिचुअलिटी का ये लास्ट चैप्टर है, फिर उसके बाद फिर कोई एक्सपीरियंस करने की भी स्टेज नहीं आती है, फिर जस्ट चीज़ें जैसी हैं, एज इट इज़ हैं वैसी हैं। फिर कोई वाई हाउ, कोई सीकिंग, कोई गॉड को खोजने की जो हमारे अंदर क्रेविंग होती है वो सब खत्म, लाइफ एकदम पीसफुल हो जाती है, बहुत ही मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। और फिर जो आपके काम हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आप करते रहते हैं, ऑटोमेटिक एफर्टलेसली सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।